नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD ट्यूटर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो न्यूज़पेपर में न्यूज आई कि भी बहुत जल्द जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप सी के जो रिजल्ट आपके पेंडिंग है, लगभग 24 से 25 हज़ार पदों का रिजल्ट पेंडिंग, वो रिजल्ट जारी कर सकते हैं, ऐसा न्यूज़पेपर में न्यूज आया। उसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ जो आयोग के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी, उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दी गई उसके बारे में बात करेंगे, और दो यहाँ पर नोटिस भी आयोग ने जारी किए हैं, उन नोटिस के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नोटिस है आपका, प्रेफरेंस मांगी गई है ग्रुप सी के लिए। जिस भी कैंडिडेट ने ग्रुप सी का कोई भी एग्ज़ाम दिया है, मेंस का, चाहे वो हरियाणा पुलिस है, ग्रुप 56 57, कोई भी ग्रुप है जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस फिल करें। आज लास्ट डेट है और आज जो है आप रात को 11:59 तक अपनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। इसमें हरियाणा पुलिस की पोस्ट को भी जो है इंक्लूड किया गया है, इस चीज़ का आप इसमें ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने का जो लिंक है वो भी आप देख सकते हैं, लिंक है, इस लिंक पर जाकर जो है आप अपनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। वहीं दूसरी और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने हरियाणा पुलिस की जो पोस्ट है वो ऐड करने से पहले अपनी प्रेफरेंस फिल कर दी थी, उन कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, इनकी जो प्रेफरेंस है वो कैंसिल कर दी गई, आप फ्रेश यहाँ पर जो है अपनी प्रेफरेंस फिल करें। अब बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि भी अगर मैं प्रेफरेंस फिल नहीं करता हूँ तो क्या होगा, तो आपका आयोग अपने हिसाब से आपको कोई ना कोई पोस्ट इसमें दे देगा, इसमें आपको किसी प्रकार का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब चेयरमैन साहब का बयान है, यदि कोई पद रिक्त रह जाता तो उसका डाटा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास उपलब्ध होगा, जिससे भविष्य में पुनः विज्ञापन में आसानी होगी। उम्मीदवारों द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से जो वरीयता दर्ज करवाई जाएगी केवल वही मान्य होगी। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट ये भी आ रही है कि एक बार फिर से आयोग ने जो है रिजल्ट निकालने की अनुमति मांगी है, किससे, इलेक्शन कमीशन से, कि भी कोड ऑफ कंडक्ट के चलते वो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन कोर्ट केस का हवाला दिया गया है, युवाओं के भविष्य का हवाला दिया गया है, अनुमति मांगी अपना रिजल्ट हमें जारी करने दें। अब आयोग कमीशन देता है या नहीं देता वो देखने वाली बात होगी, जब तक आयोग जो है कमीशन को परमिशन नहीं देता तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की वीडियो में, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।